This is Vaishnavi, a motivational speaker from Smart Class MFE. हम सभी लोग हमारी लाइफ में जब संघर्ष कर रहे होते हैं तब हमारे रास्ते में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। ये उतार चढ़ाव ही ये निर्णय लेते हैं कि हम सफल होंगे या नहीं। जो लोग इस उतार चढ़ाव का सामना कर अपनी जिद को कायम रख और अपने सपनों को प्यार कर आगे बढ़ जाते हैं वो सफल हो जाते हैं, और जो लोग नहीं कर पाते वो पीछे रह जाते हैं या फिर खुद पीछे हट जाते हैं। तो अपनी जिंदगी अपने हाथ में है, लेकिन खुद को कैसे इतना मोटिवेट रखें, खुद को कैसे इतना मजबूत बनाएं कि इन उतार चढ़ाव के बीच में भी खुद को कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल ना होने दें, अपने ड्रीम्स पर से भरोसा ना उठने दें। तो इसके लिए आज आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कुछ ऐसे थॉट्स जो आपकी लाइफ में आपको कभी भी हार नहीं मानने देंगे। और हाँ, आज की वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जैसे कि जैसे ही मेरी कोई वीडियो अपलोड हो आप उसे तुरंत देख सके और अपने अंदर एनर्जी भर सके। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ मोटिवेशन थॉट्स जो आपकी लाइफ अभी बदलेंगे और आपकी मंजिल तक पहुंचने का सफर आसान बनाएंगे। लोग अक्सर झूठी तारीफ सुनकर खुश हो जाते हैं क्योंकि अपनी असलियत सुनने का जिगरा हर किसी में नहीं होता है। बहुत अच्छी बात है झूठी तारीफ सुनकर खुश होना भी जाना चाहिए, लेकिन ऐसी तारीफ किस काम की जो आपको आपके सपनों से और आपकी सफलता से बहुत दूर कर दे। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो कभी निर्भर मत रहना गैरों पर, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो खड़े होते हैं अपने पैरों पर। कभी कभी उनकी बातों पर ध्यान मत देना जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप अभी भी उनसे दो कदम आगे हैं, इसीलिए वो पीठ पीछे बातें कर रहे हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो। क्योंकि सहारे कितने ही अच्छे क्यों ना हो, एक ना एक दिन साथ जरूर छोड़ जाते हैं। और एक बहुत अच्छी बात जो जिंदगी में आपको कभी हारने नहीं देगी, कभी कमजोर पड़ने नहीं देगी, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमेशा इतने खुश रहो कि प्रॉब्लम भी बोले यार मैं किसके पास आ गया, इससे अच्छा तो मैं कहीं और चला जाता। आपके चेहरे की स्माइल बयां करनी चाहिए कि दुख चौखट से ही वापस लौट जाए, सफलता खुद मुस्कुरा कर आपके पास आए। ये मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहां बड़ी आसानी से होती है, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर अड़ी होती हैं। तो अपने सपनों के लिए इतनी जिद करो कि रास्ते की हर उतार चढ़ाव, हर मुश्किल भी कहे कि मैं ही झुक जाता हूँ, इसकी जिद तो झुकने से रही, इसे इसकी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। यूं ही असर डाला है मतलब प्रस्तुति ने दुनिया भर में। अगर किसी से जाकर उसका हाल भी पूछो तो लोग समझते हैं जरूर कोई काम होगा। ये असलियत है आज की दुनिया की। अगर आप किसी के पास गए हो और आपने उसका मजाक में भी हाल पूछ लिया तो आपका मजाक भी, या आपने प्यार से भी कह दिया क्यों भाई कैसे हो, तो वो यही समझेगा जरूर किसी मतलब से आया है, जरूर कोई काम होगा। ये आज की सच्चाई है, इससे कोई नहीं भाग सकता। जरूरी नहीं कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही फेंका जाए, अपना लहजा बदल कर देखिए बहुत कुछ टूट जाता है। झूठा अपनापन जताने से कोई अपना नहीं होता, वह अपना ही क्या जो हर पल सताता है, और कौन अपना है ये सिर्फ वक्त बताता है। दोस्तों, उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत हो, तो रखो अपने पास सब्र की ताकत ताकि कोई तुम्हारे मुकाबले में ना आ सके। अकेला आदमी, हर जना यही कहता है कि मैं अकेला हूं,
मेरे साथ कोई नहीं है तो मैं कह दूं, शुरुआत अकेले ही की जाती है, संघर्ष अकेले ही करना पड़ता है, मंजिल पर पहुंचने के बाद तो काफिले खुद जम जाते हैं अपने पीछे। तो अगर अकेले चल रहे हो, मतलब सफलता मिलने पर महफिल जमेगी तुम्हारे नाम की। तो बेझिझक विश्वास रख, चलते रहो। जग हंस रहा है, कोई बात नहीं, जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है, इसलिए हंसने दो, बस तुम तुम्हारा काम करते रहो, तुम बस अपनी मंजिल तक पहुंचने के सफर में चलते रहो। बिखरेगी फिर वही चमक तेरे वजूद से, तू बस उसे महसूस करना, तू ज्यादा कुछ मत करना, तू खुद पर बस थोड़ा सा विश्वास रखना और अपने सपनों की पाने की जिद रखना। तुझे हर वो चीज मिलेगी जो तू चाहता है, तू बस खुद पर थोड़ा सा विश्वास रखना। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करती हूँ ये थॉट्स आपकी जिंदगी को एनर्जी से भर देंगे और आपके सफर को आसान बना देंगे। तो गाइस, वीडियो को शेयर और लाइक कमेंट करना नहीं भूलना है। जय हिंद।